आशीष चंचलानी इज वन ऑफ द टॉप यूट्यूबर्स इन इंडिया. उनके करंटली 27.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है. बट जो चीज मुझे उससे ज्यादा सरप्राइज करती है वो है उनका बिजनेस माइंडसेट. आशीष चंचलानी एक अपर क्लास बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं. उन्होंने अपनी फैमिली बिजनेस स्ट्रेटजीज को अपने यूट्यूब चैनल पर लगाया है, जिसकी वजह से आज ना सिर्फ वो यूट्यूब पर फेमस है बट अपने बिजनेस साइड पर भी काफी सक्सेसफुल है. मुंबई जैसे शहर में अगर आपके पास इतना बड़ा घर है तो आप सोचिए कि आपकी फैमिली कितनी अच्छी होगी और कितने सारे लोग होंगे. अकॉर्डिंग टू जी न्यूज इंडिया, आशीष चंचलानी पर मंथ 20 लाख रुपीज सिर्फ यूट्यूब से कमा रहे हैं. बट वो सिर्फ YouTube के थ्रू नहीं कमाते, उनके काफी सारे बिजनेस भी हैं. एंड इस वीडियो में मैं उनके हर एक सोर्स ऑफ इनकम को डिटेल में डिस्कस करूंगा. हाय गाइस, माय नेम इज ऋतिक मेहरावत. आई एम अ बिजनेस एनालिस्ट एंड स्ट्रेटजिस्ट एट वन ऑफ द टॉप कंसल्टिंग फर्म इन द वर्ल्ड. एंड इस वीडियो में आशीष चंचलानी के हर एक बिजनेस को डिटेल में डिस्कस करूंगा. अगर आपको नहीं पता तो मैं इस चैनल पर टॉप यूट्यूबर्स की बिजनेस और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डिटेल में डिस्कस करता हूं. ये ऐसी चीजें हैं जो आप अपने खुद के चैनल पर अप्लाई कर सकते हो, एक अच्छी ग्रोथ पा सकते हो. तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं. सो द फर्स्ट बिजनेस स्ट्रेटजी इज बिजनेस रीइन्वेंशन. काफी लोगों को लगता है कि आशीष चंचलानी ने YouTube से शुरू किया था, बट उन्होंने 2014 में वाइन एक ऐप पर वीडियोस डालना शुरू किया था. उसके बाद वो Instagram पर आए एंड 2014-15 में ही उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे Instagram पर. एंड उसके बाद वो YouTube पर आए. मतलब आई एम टेलिंग यू, बिफोर Jio ओनली आई हैड 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन Instagram. इन द वेरी फर्स्ट 2014 और 15 के बीच में ही आई स्टार्टेड मेकिंग कॉन्टेंट दैट नोबडी एल्स वॉज मेकिंग एंड इट वॉज रिलेटेबल, वेरी रिलेटेबल. और YouTube पे तभी कितने थे? YouTube पे कुछ नहीं था. YouTube पे मैं 10,000 पे भी नहीं था. मैं YouTube पे आया ही नहीं था. और Instagram पे 1 मिलियन, या 1 मिलियन में पहले पहुंचा Instagram पे. वहां से फिर क्या हो रहा था, मेरे वीडियोस चोरी करके कोई YouTube पे डाल रहा था. हाँ. तो मैंने बोला यार, मेरे को पता चला कोई पैसे कमा रहा है. अब एक सिंधी आदमी को जब ये पता चलता है, बताओ कि वो पैसे कमा रहा है मेरे वीडियो से, कोई मेरे अंदर का तो हेरिटेज भड़क गया. मैं बोला ये तो मैं होने दूंगा नहीं. तो मैं उसके चक्कर में YouTube पे आया. उन्होंने हमेशा टाइम के साथ प्लेटफॉर्म को चेंज किया है एंड इसकी वजह से ही उनको इतनी ज्यादा सक्सेस मिली है. काफी क्रिएटर्स हैं जो ये सब नहीं करते एंड उनकी वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है. एंड इन फैक्ट आशीष चंचलानी ने तो अपना टिकटॉक अकाउंट भी खोल लिया था. देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल 4-5 इयर्स बैक हु वर लाइक मेकिंग Instagram वीडियोस. And I feel that they were so talented, but the careers didn't took off. Okay? They were like equal to me and I would say better than me in followers and numbers. And of course, mashallah, they were talented as well. But I would say unka career never took off because of the fact they never updated with what was going around. They got repetitive and they were like stuck on one thing. एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आशीष चंचलानी पर वीडियो स्पॉन्सरशिप के 10 लाख रुपीज लेते हैं एंड उन्होंने काफी बड़ी कंपनीज के साथ कोलैब किया हुआ है, जैसे कि कॉइन डीसीएक्स या फिर अपस्टॉक्स. ऑल्सो आशीष चंचलानी अपने यूट्यूब चैनल पर महीने में सिर्फ एक वीडियो डालते हैं एंड उस वीडियो में अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज 40 मिलियन व्यूज आते हैं. एंड अगर हम इंडिया के CPM के हिसाब से कैलकुलेट करें तो पर वीडियो 10-12 लाख रुपए कमाते हैं एंड वो महीने में सिर्फ 20 दिन काम करते हैं. इसका मतलब है कि वो पर डे 1 लाख रुपीज कमाते हैं यूट्यूब के थ्रू. सो 20 डेज, आई एम टेलिंग यू द होल प्रोसेस, लाइक गोज इनटू लाइक शूटिंग, एडिटिंग, बाउंसिंग ऑफ आइडियाज, डिसाइडिंग अ टॉपिक एंड कमिंग टू एन एंड. The rest 10 days, I enjoy my me time. I'm like, I think being this digital artist, I'm the least social guy. Because I don't like sitting on like, coming on Instagram and you know, putting everything about my life. I like to enjoy my me time. But YouTube उनका अकेला business नहीं है, उनके और भी businesses हैं. Instagram पर उनके अभी 13.1 million followers हैं and वो काफी regularly story, reels and post के through brand के साथ collab करके उनकी promotion करते हैं. तो definitely उनके through वो एक अच्छा amount कमा रहे हैं and इसके साथ साथ उनको popularity भी मिल रही है. Next business strategy पर जाने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा, this video is sponsored by Coding Ninjas. अगर आपको नहीं पता तो Coding Ninjas is India's biggest learning platform for coding education and yahan ki faculties IIT, Stanford, Facebook se hai. Inki website par aapko 17 se zyada programming based courses milenge. Also Coding Ninja aapko top class assistant provide karta hai jisme aap bina kisi time waste ke apne sare doubts clear kar sakte ho. And sabse important baat, 6th March 7 PM se unka competition shuru ho raha hai
जिसका नाम है कोड काजे। ये एक ऑनलाइन कंपटीशन है जहां 2 लाख से ज्यादा कोडर्स कम्पीट करेंगे फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इस कंपटीशन में आप 30 लाख से ज्यादा कैश रिवॉर्ड जीत सकते हो या फिर आपको इंटर्नशिप और फुल टाइम जॉब मिल सकती है एट अ टॉप टेक कंपनी। ऑल्सो जो लोग कोड काजे में पार्टिसिपेट करेंगे वो 100+ कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे की डेली हंट, कॉइन DCX, मेडीबडी फॉर SDE रोल्स। सो द रजिस्ट्रेशन इज फ्री फॉर एवरीवन। डेट इज 6th of March। Link is in description. Go check them out. Now, coming back to the video. So, the second strategy is business expansion. अब काफी लोग हैं जो YouTube से शुरू करते हैं, YouTube पर ही रह जाते हैं, बट आशीष चंचलानी ने अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया है। उन्होंने काफी OTT platforms के साथ कोलैब किया है, जैसे कि Netflix, Amazon Prime। इसके साथ साथ उन्होंने एक वेब सीरीज भी की थी ऑल्ट बालाजी पे, जिसका नाम था क्लास ऑफ 2017। एंड इसके साथ साथ VMate पर भी उनकी एक सीरीज आई थी, असली होलीबाज। एंड Amazon पर जो उनकी सीरीज आई थी द लोन स्कैम, उसकी मार्केटिंग करने के लिए तो उन्होंने बहुत ही इनोवेटिव आइडिया यूज किया था। इस नंबर पे व्हाट्सएप करने से सबको एक ही मैसेज आ रहा था, विच वॉज रिलेटेड टू हिज Amazon मिनी टीवी वीडियो। तो इनिशियली आशीष चंचलानी इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए ये स्टोरी अपलोड किए थे, थैंक्स फॉर द विशेस, आई लव यू गाइज द मोस्ट, बट इट्स अ जेन्युइन रिक्वेस्ट, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, सुबह से नंबर लीक हो गया है। बट बहुत लोग गेस करना चालू कर दिए थे कि दिस वॉज अ प्रमोशनल स्ट्रेटेजी, एंड इस चीज को कंफर्म करते हुए आशीष चंचलानी आज ये स्टोरी अपलोड किए। No, कल जो नंबर लीक हुआ था वो बहुत बड़ा प्रैंक था, मैंने तुम लोग का बहुत बड़ा काटा, क्योंकि हमारा न्यू वीडियो आने वाला था। सोचो किस लेवल पे हमने मार्केटिंग की है। इससे ब्रांड को लगता है कि आशीष चंचलानी तो काफी डेडिकेटेड है उनसे काम करने के लिए, एंड इसकी वजह से ही वो फ्यूचर में उसी के साथ काम करते हैं। इन शॉर्ट, वो यूट्यूब के साथ काफी जगह हाथ पैर मारते हैं, जिनकी वजह से उनको काफी सक्सेस मिली है। उन्होंने काफी सारे बॉलीवुड स्टार्स के साथ तो कलाब किया ही है, उसके साथ साथ वो मार्वल के हॉलीवुड स्टार से भी बहुत बार मिल चुके हैं, एंड इसकी वजह से भी उनकी रीच बहुत ज्यादा बढ़ती है। बिजली का बिल एंड पीपल हैव दिस थिंग, उनको लगता है कि हमको पैसे मिलते हैं पिक्चर को प्रमोट करने के लिए। नो, कुछ एक रुपया नहीं मिलता है। इट्स ऑल जस्ट यू गेट टू मीट स्टार्स, उसके साथ आप शूट करो, तो दैट्स इट, दैट्स द बार्टर सिस्टम, हाउ इट वर्क्स। काफी लोगों को नहीं पता, बट आशीष चंचलानी थर्ड पार्टी द सोल स्टोर के साथ कोलैब करके अपनी मर्चेंडाइज सेल करते हैं, एंड उस सेल्स का कुछ पार्ट आशीष चंचलानी को मिलता है। ऑल्सो इस ब्रांड ने काफी बड़ी कंपनीज के साथ कोलैब किया है, जैसे कि डिज्नी, IPL, ऐसी बहुत सारी कंपनीज के साथ इन लोगों ने कोलैब किया है। अब थर्ड है उनका फैमिली बिजनेस। आशीष चंचलानी का फैमिली बिजनेस है एक सिनेमा हॉल का। He used to work in our multiplexes regularly, apart from doing studies and news. He was the one responsible for getting me these high technologies in the multiplexes, like 3D. The sound of the next level, 7.1 Dolby. He was more into Hollywood movies. At that time, when we were planning the shows, हम क्या देखते थे कि स्टार कास्ट पिक्चर कौन सी है, चलो ये शाहरुख की पिक्चर है। He was the one who told me कि नहीं पापा, आप हॉलीवुड को भी शोज दीजिए, इनका मार्केट है, आप टेक्नोलॉजी को इम्पोर्टेंस दीजिए। अगर स्टेट ऑफ आर्ट मल्टीप्लेक्स हमने बनाया है ओनली बिकॉज ऑफ His suggestions and his passion. And उल्लासनगर में उनका एक थिएटर भी है जिसका नाम है अशोक अनिल थिएटर। तो मोस्टली थिएटर्स 4 तरीकों से कमाते हैं। फर्स्ट टिकट सेल्स, सेकंड एडवर्टाइजमेंट, थर्ड ओवर एक्सपेंसिव स्नैक्स, एंड फोर्थ पार्किंग। ये बिजनेस उनके दादाजी ने शुरू किया था, एंड अगर हम एक सिनेमा हॉल का अंदाजे से रेवेन्यू निकाले तो वो अराउंड 70-80 लाख रुपीज आता है पर मंथ। बट इसके बाद कुछ पैसे उनको डिस्ट्रीब्यूटर को भी देने पड़ते हैं, एंड कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो ऑन एन एवरेज मोटा मोटा उनका प्रॉफिट 30-40 लाख रुपीस पर मंथ आता होगा। माय नेम इज आशीष चंचलानी। बोल रे, ओ हाय, चल आ, मेरा साले, तू मेरे पाप को जानता है। प्लीज वेलकम आशीष चंचलानी। दिस शोज दैट कि आप अगर किसी चीज के लिए पैशनेट हो तो आप उसका करियर भी बना सकते हो एंड पैसे भी बना सकते हो, एंड आशीष चंचलानी इज अ परफेक्ट एग्जांपल। बट चीजों को रैंडमली करने से सक्सेस नहीं मिलती, हर चीज की एक स्ट्रैटेजी होती है एंड हर चीज का एक बिजनेस होता है, एंड इस चैनल में मैं उन्हीं स्ट्रैटेजीज को डिटेल में डिस्कस करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक दिस वीडियो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि जब भी मैं किसी और नए बंदे पर वीडियो बनाऊं तो आपको सबसे पहले पता चले। ओके गाइस, so that's it for the video. Okay, thank you, bye.